हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का पेटीज जैसा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता। आटे से बनाने जा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी है, झटपट बनकर रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम एक बोल में एक कप गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो मिक्स कर लेंगे इसे हम साफ हाथों से। तो इसको हमने मसलते हुए मिक्स कर लिया है, तो मुट्ठी में करके देखेंगे तो मोइन हमारा इतना होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी में हो जाना चाहिए। तो अब हम इसका आटा तैयार करेंगे। आटा हमें ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना सॉफ्ट करना है, चिपचिपा आटा नहीं होना चाहिए हमारा इसमें। तो थोड़ा मीडियम डो ही हम इसका तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है, इसमें हमने गूंद लगा ली है। तो हल्का सा इसमें ऑयल लगा लेंगे और इसको हम ढककर एक साइड रख देंगे जब तक आग की तैयारी करेंगे। अब हम गैस पर बर्तन में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे इसमें, 2 पिंच हींग। अब इसमें हम 1 कट के हुआ प्याज ऐड करेंगे, जीरा लाल होने पर हमें प्याज ऐड करनी है, 1 कट किया हुआ हरी मिर्च। तो इसको हम चलाते हुए थोड़ा फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिए कि आप रेसिपी पूरा देखा करें, जिससे कि आप जब रेसिपी को फ्राई करें तो आपको बनाने में आसानी हो और आपकी जो चीज है वो बिल्कुल परफेक्ट बने, उसमें गलती ना हो। इसके लिए आपको रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। कुछ रेसिपी में कुछ टिप्स होते हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है, अगर आप उसको स्किप कर देते हैं तो उससे रेसिपी फिर आप जब ट्राई करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ही ट्राई करें। तो प्याज को हमने हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची हमने ली है वो ऐड करेंगे, जो तीखी कम होती है और कलर अच्छा आता है, और तीखा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, चटपटा टेस्ट देने के लिए 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, आप इसकी जगह पे नींबू का जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक ध्यान से डालना है, आटे में भी हमने थोड़ा नमक ऐड किया है क्योंकि। तो इसको हम कुछ सेकंड चला लेंगे जिससे कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो कुछ सेकंड हमने इसको चला लिया है। अभी हमने 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं जिसको हमने रफली मैश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आलू को हमने इसमें मिक्स कर लिया है, 1 मिनट इसमें चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो 1 मिनट हमने इसको पका लिया है चलाते हुए, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आलू ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं। क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम एक कटोरी में 1 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो देखिए इसको हमने घोल लिया है और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये जो डो है हमारा, उसको हम हाथों से थोड़ा सही कर लेंगे पहले। अब ये आटे की हम लोई लेंगे, तो लोई हमें ये मीडियम साइज की लेनी है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, लोई को लेंगे और इसे हमें बेलना है। तो देखिए इसे हमने रोटी की तरह बेल लिया है, लेकिन इसको हमें पतला बेलना है इस तरीके से। अब हम नाइफ की हेल्प से इसको कट करेंगे, कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो इसको हमने कट कर लिया है।
अब इसमें हम कॉर्नर में इस तरीके से जो हमने आटे का पेस्ट बनाया है उसको लगाएंगे। तो देखिए स्टफिंग हमारे अच्छे से ठंडी हो गई है और स्टफिंग इसमें ठंडी ही हमें फिल करनी है, गरम नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम इसमें फिल करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करके चिपका देंगे। सर किसे के कॉर्नर से इसको हमें दबा देना है इसको अच्छे से। देखिए रेडी है। इसी तरीके से सारे हम बना लेंगे। अब ये हमने ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम गरम है, गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। तो थोड़ा फ्राई होने देंगे उसके बाद इसे पलटेंगे। तो थोड़ा फ्राई होने के बाद अब इसे हम पलटेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये क्रिस्पी नाश्ता लगता है, पेटीज जैसा नाश्ता ये बनकर हमारा रेडी हुआ है। इसे हमने आटे से बनाया है तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। घर पर ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इसी तरीके से जो बाकी बचे हुए हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो लीजिए हमारा आटे का पेटीज जैसा नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो ये जो ऊपर से इसको नाइफ की हेल्प से खोल सकते हैं यानी कि ओपन कर सकते हैं और इसमें आप चटनी और आलू भुजिया या फिर बेसन की सेव या कोई सा भी नमकीन जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं और उसके साथ कच्ची प्याज ऐड कर सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है खाने में उस तरीके से भी, नहीं तो इस तरीके से भी सिंपल आप खा सकते हैं इसको, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।